राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक। गृह मंत्री अमित शाह ने बल्लारी में विजय संकल्प समावेश को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कर्नाटक के विकास के लिए सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की और जनता से आने वाले समय में भाजपा का समर्थन करने की अपील की। मित्रों, सबसे पहले संडूर की भूमि से कुमार स्वामी देव और भगवान विठोबा को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूँ। ये कर्नाटक का ये हिस्सा भगवान हनुमान की जन्मस्थली भी माना जाता है। मैं अंजनी पुत्र वीर हनुमान को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। ये हक्का बुक्का की भूमि है, ये भूमि कृष्णदेव राय की भूमि है, ये भूमि यशवंतराव धोरपड़े की भूमि है। ये भूमि को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। मित्रों, आज मैं कहने आया हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में देश को सुरक्षित करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक ओर है और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। मोदी जी ही देश को सुरक्षित कर सकते, मोदी जी ही देश को समृद्ध कर सकते हैं। कर्नाटक का कल्याण करना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने गरीबों के घर में गैस भेजा, शौचालय भेजा, बिजली भेजी, बैंक अकाउंट भेजा, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा उठाया। और मुझे बताओ, बेल्लारी वालों, हॉस्पिटल वालों, सबने कोरोना का टीका लिया है या नहीं लिया है? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना का टीका लगाकर कर्नाटक को कोरोना से सुरक्षित कर दिया। मोदी जी ने हर गरीब के घर में 2.25 साल से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल या रागी या गेहूं या जुवार ये भेजकर गरीब के चूल्हे को जलते रखने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, बेल्लारी जिले को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने DMF ग्रांट 2000 करोड़ दी, 13,000 करोड़ रुपया पूरे कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का दिया, लगभग 59 जिलों को भरने के लिए 1300 करोड़ रुपए की लागत से इसको आगे बढ़ाया, 60,000 लोगों के घर में जल से नल भेजा। इसके साथ साथ हर किसान को 6,000 रुपया प्रति साल भेजकर मोदी जी ने गरीब किसान का काम करने का किया है। ये येदुरप्पा जी की पहले सरकार थी, अब बुम्बई जी की है। 9 लाख दुग्ध उत्पादकों को 1644 करोड़ रुपया दिया, खाद में सब्सिडी 140% बढ़ाई, सूक्ष्म सिंचाई योजना 1100 करोड़ रुपए की लागू की और MSP के अंदर भी ढेर सारे बढ़ोतरी की। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं अंत में एक ही बात करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? ये कश्मीर के अंदर से धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी, ये JDS, ममता, समता, SP, JDU, ये सारे कहते थे 370 नहीं जानी चाहिए। मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 को हटाकर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको कहकर जाता हूँ, एक बार मोदी जी पर भरोसा करिए, एक बार येदुरप्पा जी पर भरोसा करिए, हम कर्नाटक में एक ऐसी सरकार देंगे जो 5 साल में कर्नाटक को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी और कर्नाटक को पूरे दक्षिण का एक नंबर का राज्य बनाएगी, ऐसी सरकार हम देंगे। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र प्रथम। वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।